नमस्कार, रात के 8:30 बज चुके हैं और अब वक्त हो गया है हरियाणा विशेष का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। हरियाणा विशेष, जिसमें हम उठाते हैं वो मुद्दे जो जुड़े हैं आपसे, जिनका सरोकार है आपसे, वो मुद्दे जो आपके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं, आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए उठाते हैं आवाज। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आपकी इस खास पेशकश में। मिलेनियम सिटी गुड़गांव, जी हाँ, चुका रहा है विकास की कीमत। इसके कैसे खतरे से रूबरू करवाएंगे। गुड़गांव में एक तरफ इमारतों की ऊंची ऊंचाई बढ़ती ही चली जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भू जलस्तर जो है लगातार गिर रहा है। पिछले कुछ सालों में अंडर वाटर का जो लेवल है 35 मीटर तक नीचे जा गिरा है। सवाल ये है, कौन है इसका जिम्मेदार, क्यों सो रही है सरकार और सरकारी अफसर। एक तरफ तो हम विकास की सीढ़ियां चढ़ते ही जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विकास की कीमत चुका रही है हमारी प्राकृतिक संपदा। मिलेनियम सिटी गुड़गांव में भू जलस्तर तेजी से गिरता चला जा रहा है, जो आने वाले समय में गुड़गांव के लोगों के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। ये ऊंची ऊंची इमारतें मिलेनियम गुड़गांव की तरक्की की दास्तां सुना रही है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के मामले में देश की राजधानी दिल्ली के सामने सीना तान कर खड़ा है गुड़गांव। लेकिन गुड़गांव में इस तरक्की की कीमत कुदरत को चुकानी पड़ रही है। यहां जितनी तेजी से ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं, उतनी ही तेजी से घट रहा है अंडरग्राउंड वाटर का लेवल। गुड़गांव में हो रही पानी की बर्बादी और पानी की बर्बादी की वजह से भूजल के स्तर में कई फीट की गिरावट हो चुकी है। पिछले साल की तुलना में तो ये 0.69 मीटर डिक्लाइन हुआ है जून पीरियड की तुलना करें तो। पिछले साल के जून को इस साल के जून से तुलना करें तो 0.69 मीटर नीचे गया है वाटर टेबल। विशेषज्ञों की राय में भूजल स्तर में गिरावट के दो अहम कारण हैं। पहली वजह ये है कि गुड़गांव और आसपास के इलाकों में सक्रिय सैकड़ों बिल्डर्स सबसे ज्यादा जमीनी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद ही कोई कंस्ट्रक्शन साइट ऐसी होगी जहां बड़े बड़े बोरवेल ना हो। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में खेती के लिए भी भूजल का प्रयोग किया जा रहा है। ग्राउंड वाटर यूजर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, और एग्रीकल्चर में अब तो काफ़ी ऐसी टेक्निक आ चुकी हैं जो वाटर मिनिमम वाटर से मैक्सिमम प्रोडक्शन ली जा सके, जैसे ड्रिप इरीगेशन का है, फुहारा सेट इरीगेशन सिस्टम है, तो ये इस टाइप के। गुड़गांव में जमीनी पानी के स्तर में लगातार गिरावट से गंभीर जल संकट के हालात बन गए हैं। गुड़गांव में धड़ल्ले से हो रहे निर्माण कार्य की वजह से पीने योग्य भूजल का जमकर दोहन हुआ है, जिससे पेयजल की समस्या और विकराल हो गई है। खुद प्रशासनिक अधिकारी भी मानते हैं कि गुड़गांव में पीने के पानी की व्यवस्था बेहद लचर है और इसके लिए काफी कुछ किए जाने की जरूरत है। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए गुड़गांव वासियों को भी चिंता सता रही है, जिसके चलते पानी की बर्बादी को रोकने के लिए समय समय पर सेमिनार्स का आयोजन किया जा रहा है, और इस तरह के सेमिनार्स से लोगों में जागरूकता फैलाकर इस कुदरत के तोहफे को बचाया जा सके। गुड़गांव से धर्मवीर शर्मा की रिपोर्ट, फोकस टीवी हरियाणा। तो एक बड़ा खतरा मिलेनियम सिटी गुड़गांव के ऊपर मंडरा रहा है, और आश्चर्य इस बात का है कि इसे लेकर जो अफसरशाही है वो सोई हुई है, उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आरटीआई एक्टिविस्ट हैं रमन शर्मा जी, जो स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है आपका रमन जी, और साथ ही कर्नल ओबेरॉय हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं। और इन दोनों का परिचय हम इस रूप में भी कराएं कि एक लड़ाई लड़ रहे हैं गुड़गांव के आम लोगों के लिए, गुड़गांव की इस प्राकृतिक संपदा का, जिसका दोहन हो रहा है, बड़ी ही खराब तरीके से बर्बादी हो रही है, उसके लिए आप दोनों ही लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका हम रुक करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि गुड़गांव से फोनलाइन पर हमारे संवाददाता धनवीर शर्मा भी इस विषय पर हमारे साथ जुड़ेंगे। धर्मवीर को सबसे पहले लेना चाहेंगे। धर्मवीर, आपसे जानना चाहेंगे, ये समस्या दरअसल है कि आपने तो इस पूरी समस्या को कवर किया है, उसके बाद क्या क्या चीजें सामने आई हैं, संक्षेप में बताइए। देखिए,
देखिए जो ग्राउंड वाटर है वो लगातार जिस तरह से नीचे जा रहा है उसको लेके ही ये समस्या गुड़गांव शहर में है। और पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें, पिछले 10-12 सालों में, तो जिस तरह से गुड़गांव शहर ने विकास किया है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, उनके जो बेसमेंट्स बने हैं, 3-3, 4-4 मंजिल के जो बेसमेंट्स बने हैं, उनको बनाने के लिए जिस तरह से पानी का दोहन किया गया, जिस तरह से पानी को बाहर निकाला गया, वो उसकी वजह से भी मानी जा रही कि वो भी एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से वाटर लेवल जो है वो काफी नीचे चला गया है। और जिस तरह से आबादी बढ़ी है तो उसको लेके काफी ज्यादा पानी की जरूरत है, लेकिन गुड़गांव के पास इतना पानी नहीं है। तो उसी को लेके एक सेमिनार भी आयोजित किया गया था, उसमें भी ये बातें सामने आई थी कि अगर यही हालात रहे तो आज से 12 साल बाद गुड़गांव शहर के पास पानी नहीं होगा, बिल्कुल समस्या काफी गंभीर हो जाएगी। धर्मवीर, क्या आपने हुडा के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की? तमाम लोग जिन पर सवाल उठ रहे हैं वो अफसरशाही, इनसे जवाब तलब करने की कोशिश की समस्या को लेकर? बिल्कुल, देखिए वक्त वक्त पर इनसे बातें होती रहती हैं, और इवन यहाँ तक भी हुआ है कि इसमें हाई कोर्ट ने भी दखल दिया था इसमें। और नवंबर 2012 में जो नए कंस्ट्रक्शन हैं जो गुड़गांव शहर में जो चल रहे हैं उन पे एक तरह से रोक लगा दी थी। उस बात के बाद खोला गया कि जब ये एफिडेविट गुड़गांव प्रशासन की तरफ से दिया गया। धर्मवीर, आपके पास दोबारा लौटेंगे, लेकिन स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। रमन शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट, साथ ही कर्नल ओबेरॉय भी हैं। रमन जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है आपने और मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले समझना चाहेंगे ये समस्या इतनी भयावह हो कैसे गई है, विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है गुड़गांव और ऐसे में प्राकृतिक जो हमारी संपदा है उसका इतना दोहन, ग्राउंड वाटर की रियलिटी अब ऐसी हो गई है कि आने वाले समय में धरती सूख जाएगी। 2001 में केंद्रीय सरकार और हरियाणा सरकार दोनों को ये पता था कि गुड़गांव जो है वो डार्क जोन में आ चुका है जी, यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर जो है